गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स अ वीडियो ऑफ सेवेंथ क्लास फॉर सब्जेक्ट मैथ। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन फोर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 एंड टुडेज वीडियो वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इन द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वी स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स है स्टेटमेंट हमें गिवन है, उसका देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ड्रॉन कार्ड इज फेस कार्ड। फेस कार्ड मीन्स जिसपे पिक्चर्स बनी होती हैं, पिक्चर्स बनी हुई जिसपे पिक्चर्स बनी होती हैं वो तो देखिए किंग होता है और एक क्वीन होती है, एक जैक होते हैं। किंग हमारे कितने होते हैं? फोर किंग होते हैं 52 कार्ड्स में, और फोर क्वीन होती है, फोर जैक होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल जो फेस कार्ड हो जाएंगे वो टोटल हो जाएंगे 12 और सॉरी टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे 12 और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। 12/52 इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 12, 4 1 4 3 तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेस कार्ड की? 3/13। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 3/13। और स्टेटमेंट भी हमारा क्या कह रहा है? 3/13। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनवेस्ट क्यूब डाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। एक आपका डाइस है जिसको क्या करा जाता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर। तो देखिए टोटल नंबर कितने होते हैं हमारे डाइस में? वो होते हैं 6, 1 to 6। एंड जो इवन नंबर कितने होंगे? इवन नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, 2 से डिविजिबल होंगे वो हमारे होंगे 2, 4, 6 यानी 3। तो कितने हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? 3/6 दैट इज 1/2। और ये क्या कह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि 1/6 है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, फॉर एवरी इवेंट आर बिलोंगिंग टू द सेम स्पेस दिस एंड दिस। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ये स्टेटमेंट सिंपली ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ द इवेंट इज 1-p। ये सिंपली हमारा एक फार्मूला होता है, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी अगर पी है तो उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1-p। ठीक है, तो दैट इज टोटली ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो मीन्स सेकेंड इसका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और सब हमारे ट्रू। ठीक है, जैसे देख लेंगे, फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, आफ्टर द लास्ट जितने में सब ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अ डाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी इन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप जानते हैं जिसके जो नंबर टू से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, तो डाइस में कितने नंबर होते हैं? डाइस में हमारे 6 नंबर होते हैं उसमें, तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर निकाल लेंगे। तो प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 2, 4, 6। ठीक है, 2 देखिए हमारा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो हमारे फेवर में कितने हैं? 3/6, तो 1/2। अगला देखिए, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 boys, 5 girls, 1 child इज सेलेक्टेड रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड चाइल्ड इज अ गर्ल। 3 boys हैं, 5 girls हैं, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है? एक चाइल्ड सेलेक्टेड करना है रैंडमली, और वो गर्ल्स होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो पहले टोटल स्टूडेंट्स निकाल लेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे? 5+3 दैट इज 8। हमें गर्ल्स की निकालनी है, तो गर्ल्स कितनी है? 5, टोटल, तो 5/8। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन अ लॉटरी देर आर 10 tickets विद प्राइस एंड 25 blanks। मतलब एक लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम निकलता है जिसमें क्या होता है, 10 tickets क्या है वो जिसमें प्राइज है, और 25 क्या है ब्लैंक्स है।
25 के साथ कोई भी प्राइस नहीं, और 10 के साथ आपको कुछ प्राइस मिलेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइस इन परचेसिंग सिंगल टिकट ऑफ लॉटरी। तो अगर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपको प्राइस मिलेगा, तो हमारी देखिए तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो जिसमें प्राइस वो कितने हैं 10, और टोटल कितने होंगे 10 + 25 दैट इज 35। तो इसको 10/35 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 2 = 5, 7 जाए तो क्या जाएगा 2/7। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर इज चूजन इज वोवल। हमारे जो हमें क्या निकालना है, एक अल्फाबेट में कितने वर्ड्स होते हैं, सॉरी अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, और वोवल्स कितने होते हैं, वोवल्स हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो 5 वोवल्स होते हैं, तो वोवल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कितना आ जाएगा 5/26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट, द कार्ड इज ड्रॉन द रैंडम, एक कार्ड को क्या करा जाता है जिसमें से एक निकाला जाएगा, तो हमें क्या निकालना है, एक ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, देखिए तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक कार्ड होते हैं 26/52, इस टाइप को हम कर भी चुके हैं, तो 1/2 आएगा। रेड किंग, देखिए 4 किंग होते हैं, 2 ब्लैक के होते हैं और 2 रेड के होते हैं, तो हमें किसकी निकालनी है, रेड किंग की, तो 2/52 टोटल कार्ड्स कितने होंगे, 52 होंगे, और रेड की कितने हो सकते हैं, तो 2/36, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/6। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।